मुजफ्फरनगर के खतौली में कल हुए उत्कल एक्सप्रेस हादसे में 24 लोगों की मौत, 81 यात्री घायल। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल और खतौली के अस्पताल में भर्ती हैं हादसे में घायल हुए लोग, कई की हालत गंभीर। रेल हादसे में आतंकी साजिश के उत्कल एक्सप्रेस हादसे की जांच में डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। चश्मदीदों ने रेलवे पर लगाया लापरवाही का आरोप, हादसे की जगह कटी मिली रेलवे की पटरी, ट्रैक पर चल रहा था मरम्मत का काम। दुनिया ने देखा चीन की दादागिरी का सबूत, पेंगोंग झील के पास पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने। भारत ने चीन से सटी सरहद पर बढ़ाई सुरक्षा, सनाब, दिबांग वैली, सुबनसारी में भारत ने पैदल गश्त और बढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख जाएंगे, सीमा सुरक्षा का लेंगे जायजा। चीन से विवादों के बीच 21 अगस्त को ले जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा। चीन से भारत आने वाली नदियों में अचानक उफान आने से गहराया बांध से पानी छोड़े जाने का शक, चीन से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत में बरपा रही कहर। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत, आरोप लगाने वाला अफसर बयान से पलटा। तमिलनाडु में कल नहीं हो सका एआईएडीएमके के दोनों धड़े का मर्जर, 6-6 महीने पर सीएम बदलने के फॉर्मूले से रुका विलय, सूत्रों के मुताबिक सेल्वम गुट ने रखी शर्त। भोजपुर के रानीगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पकड़ी गो तस्करी की बड़ी खेप, 7 ट्रकों में ला दी गई 100 गाय बरामद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेशे पर ले जाते वक्त बीजेपी नेता हरीश वर्मा को पोती कालिक, गौशाला में 27 गायों की मौत पर हुई थी गिरफ्तारी। केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार के खिलाफ केस दर्ज, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देने का आरोप, सरकार ने जांच के आदेश दिए। बिहार में बाढ़ से मची है भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 202 तक पहुंची, 18 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। सिलीगुड़ी में सैलाब का बरपा कहर, हर तरफ फैला है बाढ़ का पानी। दरभंगा में बांध टूटने के मामले में इंजीनियर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज होगा, डीएम ने दिया आदेश। दरभंगा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान नाव से उतरते वक्त बागमती नदी में गिरे, लोगों ने जैसे तैसे बचाया। यूपी के बाढ़ पीड़ित इलाकों में इलाहाबाद से भेजी जा रही नावों की मदद, संगम से ट्रकों में लादकर भेजी गई 100 नावों की खेप। दरभंगा में सेल्फी के चक्कर में एक छात्र ने गंवाई जान, बाढ़ के तेज बहाव में बहा, अब तक नहीं मिला पता। आजम खान ने योगी सरकार के यूपी के मदरसों के वीडियो वाले फैसले पर कसा तंज, बोले बेहतर फैसला लेकिन सरकार मदरसों को सुविधाएं और फंड भी मुहैया कराए। भीलवाड़ा में जहाजपुर के एसडीएम का तुगलकी फरमान, कहा जिन घरों में 15 दिन में नहीं बना शौचालय काट दी जाएगी बिजली। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ता इम्तियाज की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के कलिम्पोंग धमाका, एक शख्स की मौत, 2 बुरी तरह घायल। दिल्ली में जलकर हुई एक महिला की मौत, पति समेत ससुराल वालों पर लगा जान लेने का आरोप। वैशाली में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, एक होटल से 6 महिलाओं और 2 ग्राहकों को पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा। मिंदापुर में एटीएम की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड की बंदूक से चली गोली, 3 लोग हुए घायल। योगीराज में शोधों पर एंटी रोमियो का असर नहीं, शामली में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने दी जान, आग लगाने के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। विशाखापट्टनम के नगरम पल्लम गांव में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने केरोसिन डालकर एक लड़की को किया आग के हवाले, मौके पर हुई मौत। गाजियाबाद में बीसीए के एक छात्र के अपहरण की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, छात्र ने खुद साजिश रचकर माता पिता से मांगी थी 40 लाख की फिरौती। सीसीटीवी ने खोला अपहरण का सच, जिस छात्र को अगवा करने की बात कही जा रही थी वो खुद स्कूटर खड़ी कर जाता दिखा, पुलिस ने पैसे दिए जाने से पहले पकड़ा। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के गांव मेवला महाराजपुर में दरिंदगी भरी वारदात, दबंगों पर 15 साल के लड़की की हत्या का आरोप। पीड़ितों के मुताबिक जमीन विवाद में दबंगों ने पहले नाबालिग लड़की को बुरी तरह पीटा, बाद में बिजली के तारों पर फेंक दिया, मौके पर हुई मौत।
लुधियाना में दो गुटों में मने हुए झड़प, तोड़फोड़ और घायलों की तस्वीर सामने आई।